हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका मेंटर सीए मोहित तापड़िया। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था चैप्टर थर्ड, जिसके मैंने आपको बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे, जिसका नाम था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैंने उस चैप्टर की सारी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक सब नीड जो होती है क्वेश्चन को करने की, वो एक सिंगल वीडियो में बताई थी। मैंने हर बच्चे से हमेशा कहा है कि जब कभी भी आप पढ़ाई करने बैठे, प्लीज मेक श्योर आपके अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 2-5 मार्क्स कम आएंगे चलेगा, पर अगर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा ना तो आगे तक कभी प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज ये वीडियो है चैप्टर फोर्थ का, जहाँ पे हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद वाले वीडियोज में इसके सम्स करेंगे, इलस्ट्रेशन करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट फैक्टर। बट ये वीडियो सबसे कोर वीडियो है। अगर आप कभी भी पढ़ाई करने बैठेंगे, सबसे पहले आपको वीडियो में कॉन्सेप्ट वीडियो ढूंढना है। कॉन्सेप्ट वीडियो में सब थ्योरी एक्सप्लेन की जाएगी, सारे सम्स करने के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। उसके बाद में आप सम्स करने बैठे, मैं गारंटी से बताता हूँ आपको धमाधम आंसर्स आने चालू हो जाएंगे। तो चलिए आज चालू करेंगे हमारा चैप्टर फोर्थ ऑफ पार्टनरशिप, जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पहले समझते हैं ये होता क्या है। देखो, जब चैप्टर का कोर समझ में आता है ना, तो चैप्टर ऑटोमेटिकली इजी लगने लग जाता है। तो कोर समझने की कोशिश करिए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जब कभी भी पार्टनरशिप के अंदर अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, कोई पार्टनर का रेशियो चेंज हो रहा है, कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, किसी भी तरीके से उनके अंदर के जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का डिविजन था उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो ऐसे सारे बदलाव को रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अब एक सिंपल सी बात समझिए, जब कभी भी रिकंस्ट्रक्शन होता है हमें कुछ चीजों में चेंजेस लाने पड़ते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, दो पार्टनर्स है, उन दोनों पार्टनर का पहले रेशियो अलग था, अब वो अपना रेशियो बदलना चाहते हैं। तो जब वो पार्टनर्स अपने रेशियो को बदलेंगे, उससे पहले उनको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसे कि उनके जो भी पर्टिकुलर रिजर्व्स वगैरह है, वो रिजर्व्स तो पुराने रेशियो में बनाए गए थे, अब रेशियो नया होने वाला है तो उनको सारे रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है पुराने रेशियो के अंदर। सेम वे जो फर्म की गुडविल अभी तक हमने कमाई है वो तो सब पुराने रेशियो में ही मिलेगी, तो गुडविल के सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं हमें। सेम वे जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज है, जो आज की करंट वैल्यू पे हमको लाना पड़ेगा। भैया, हमने एसेट को जमाने में खरीदा था, बुक में तो कॉस्ट पे रहता हमेशा से, तो उसको करंट वैल्यू पे लाके उसके एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। ये सारे एडजस्टमेंट्स करने को रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो टेक्स्ट बुक की फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इस टेक्स्ट बुक को बंद कर देता हूँ। मुझे जरूरत रहेगी एक ब्लैक बोर्ड की, जहां पे मैं आज आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। सो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन। अब जब कभी भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, हमें अगर गुडविल के एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना है, हमारा दूसरा काम होगा एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना है, हमें करंट वैल्यू पे लाना है, हमारा तीसरा काम होगा रिजर्व्स वगैरह जो भी है उनको क्लोज करना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसा भी क्वेश्चन मैंने दिया है। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि पार्टनर्स के एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब ये सब करने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि जब कभी भी पार्टनर्स के एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि उन चेंजेस का उन दोनों पार्टनर्स के रेशियो पे क्या फर्क पड़ रहा है। 100% बात यह है कि एक पार्टनर का फायदा होगा तो किसी एक का नुकसान होगा। हमें ये निकालना है कौन से पार्टनर को फायदा हो रहा है और कौन से पार्टनर को नुकसान हो रहा है, जिसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है सेक्रीफाइस एंड गेन रेशियो। कैसे निकालेंगे? बड़ा ही सिंपल है। तो हमारा सबसे पहला होता है ये सीखना, हाउ टू आइडेंटिफाई सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालना है, जिसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, आपका जो ओल्ड रेशियो था उसमें से न्यू रेशियो को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो। एकदम सिंपल है। अगर आपको चाहिए गेन रेशियो, तो गेन रेशियो का फॉर्मूला इससे उल्टा हो जाता है। गेन रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। दोनों में से कोई भी एक ही करो, दूसरे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सेक्रीफाइस का आंसर माइनस में आएगा तो वो ऑटोमेटिकली गेन हो जाएगा, एंड सेम वे गेन का आंसर माइनस में आएगा तो वो ऑटोमेटिकली सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो आपको दोनों करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक फॉर्मूला कर लो, बहुत है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि ये फॉर्मूला किस तरीके से होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, दो पार्टनर्स थे, पार्टनर ए और पार्टनर बी, इनका रेशियो हुआ करता था 3:2 का, ठीक है भैया, ये इनका ओल्ड रेशियो था। अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि ये अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं,
और इन्होंने न्यू रेशियो रख दिया इक्वल, यानी कि 1:1, ये हो गया इनका न्यू रेशियो। अब आपको बताना है कि भैया रेशियो बदलने से किस पार्टनर को फायदा हो रहा है और किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है और कितना हो रहा है। चलिए करते हैं, तो हम निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। एग्जाम में हमेशा रेशियो पूरा लिखना, शॉर्टकट्स में मत लिखना। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मेरा हो गया है, बार भी आप लोग का बाकी है, मैं शॉर्टकट लिखूंगा चलेगा गाइज, आप लोग को नहीं लिखना है, प्लीज मेक श्योर। चलिए सो स्टार्ट करेंगे इसको कैसे करने वाले। अब हम पहले निकालते हैं ए का, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 3:5। फिर लिखते हैं बी का, बी का ओल्ड रेशियो कितना था 2:5। ए का न्यू रेशियो कितना है हाफ, बी का न्यू रेशियो कितना है हाफ। तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेट अस सॉल्व इट आउट। तो यहां हो जाएगा बेस 10, दैट इज 6 - 5, तो आंसर आ जाएगा 1/10। ये पॉजिटिव में आया है, सेक्रीफाइस के फॉर्मूले में अगर आंसर पॉजिटिव है मतलब वो सेक्रीफाइस ही है, ठीक है। दूसरे वाले का निकालते हैं, दूसरे वाले में भी वापस से बेस तो आ गया 10, 2 2 4 - 5, तो यहां आंसर आ रहा है नेगेटिव में -1/10, तो भैया ये हो जाएगा गेन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि एक भैया ने गेन किया है और दूसरे ने सेक्रीफाइस किया है, यानी कि ए ने अपना शेयर दिया है बी को, यानी कि ए ने अपना 1/10 शेयर सेक्रीफाइस किया है फॉर बी, तो बी को 1/10 शेयर मिला है। तो हमेशा से इस तरीके से आपको सेक्रीफाइस गेन रेशियो निकालना पड़ेगा, और हमेशा ध्यान रखना ऑलवेज 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 सेक्रीफाइस जितना होगा एग्जैक्टली गेन भी उतना ही होगा। सेक्रीफाइस गेन दोनों हमेशा बराबर होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस कभी भी आता नहीं है। ऑलवेज एंड ऑलवेज सेक्रीफाइस रेशियो विल बी इक्वल टू गेन रेशियो फॉर श्योर। देखो भैया ये तो दो ही पार्टनर थे, तो यहाँ पे ज्यादा जोर नहीं पड़ रहा था। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं तीन पार्टनर्स के लिए, लेट अस ट्राई इट आउट। तीन पार्टनर्स है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। इनका रेशियो था 3:2:1, बराबर है। अब ये पार्टनर्स अपना, ये इनका ओल्ड रेशियो था, ये अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं 2:2:1, ये हो गया इनका न्यू रेशियो। आपसे पूछा गया चलिए भैया बताइए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, ओके। सो ये है हमारा क्वेश्चन, अब हम इसको सॉल्व करने बैठते हैं। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाओ। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैंने कहा है मैं शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ, मेरी नैया पार हो गई है, तुम्हारी बाकी है, तुम्हें एग्जाम में पूरा लिखना है। तीनों के फॉर्मूला आते हैं ए का, बी का और सी का। ए का ओल्ड रेशियो कितना है भैया, तो ए का ओल्ड रेशियो है 3:6, बी का 2:6 और सी का 1:6। इनमें से न्यू रेशियो माइनस करो, ए का न्यू रेशियो है 2:5, बी का भी है 2:5 और सी का है 1:5। चलिए एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ भी एलसीएम में 30 आएगा, यहाँ पे भी 30 ही आएगा और यहाँ पे भी 30 ही आएगा। 5 3 15 -6 2 12, यहाँ पे 5 2 10 -6 2 12 और यहाँ पे 5 1 5 -6 1 6। एलसीएम निकालना आपको आता है, वेरी श्योर अबाउट दैट। तो यहाँ आ जाएगा 3/30, यहाँ आ जाएगा -2/30 और यहाँ आ जाएगा -1/30। जिसका पॉजिटिव में है उसने किया है सेक्रीफाइस, जिसका नेगेटिव में है उसने किया है गेन, और भैया इसने भी किया है गेन। मैंने आपको कहा था हमेशा गेन विल बी इक्वल टू सेक्रीफाइस। देखो ये गेन है 2 और 1 और ये सेक्रीफाइस है 3, ये दोनों हमेशा इक्वल ही रहने वाले हैं। सो ये हो गया आपका सबसे बेसिक अबाउट रिकंस्ट्रक्शन। अब मजे की बात आती है कि सर इस सेक्रीफाइस गेन रेशियो का हम करेंगे क्या। तो भैया बड़े काम की चीज है ये। कैसे बड़े काम की चीज है, कि इसके बाद जो भी गुडविल हम करने वाले हैं वो गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो पार्टनर गेन करते हैं वो पार्टनर गुडविल लाते हैं, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उनको गुडविल मिलती है। तो गुडविल का हमेशा से जनरल एंट्री रहता है सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट होते हैं और गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं। सो ये निकालना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये निकाले बिना कैसे पता चलेगा कि किस पार्टनर को शेयर मिला है, और जिसको शेयर मिला है वो गुडविल देता है जिस पार्टनर ने शेयर सेक्रीफाइस किया है उसको। कॉमन सेंस की बात है, अगर मेरा फर्म में 60% शेयर है, मेरे पार्टनर का 40% शेयर है, अब अगर मैं मेरा 10% शेयर इसको दूंगा
तो अभी तक तो मेहनत मैंने की है, तो अभी तक इस 10% शेयर की एक गुडविल है, वो गुडविल मैं इससे लूंगा। तो इफ आई एम सेक्रीफाइसिंग माई शेयर, मैं इससे पैसा लूंगा, इसलिए मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा और सामने वाले के अकाउंट से पैसा डेबिट होगा। आ रही है बात समझ में? तो इसके लिए हमने हमारा सबसे पहला टॉपिक सीखा है जिसका नाम था सेक्रीफाइस गेन रेशियो निकालना। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, पीसफुली कॉन्सेप्ट समझो, फिर आराम से इसके सम्स भी हम बहुत बार करने वाले हैं। तो ये सेक्रीफाइस गेन रेशियो हमें गुडविल निकालने के काम में आएगा और बहुत काम में आएगा, एक बार नहीं बहुत बार काम में आएगा और गजब तरीके से काम में आने वाला है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि चलो गुडविल हो गया, सेक्रीफाइस गेन रेशियो हो गया, हमें पता चल गया गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट, डन। अब बात आती है एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने की, जिसे कहा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आज हम एक नया अकाउंट सीखने वाले हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए जाते हैं जब कभी भी पार्टनर्स के एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं। ये अकाउंट बनाया जाता है जिसके अंदर हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, मतलब उनको करंट पोजिशन पे लेके आते हैं। लेफ्ट वाला साइड एज यूजुअल डेबिट, राइट वाला साइड एज यूजुअल क्रेडिट। अब इसको ध्यान से समझना, इसमें कैसे लिखते हैं, तो जो भी नुकसान होता है वो हमेशा डेबिट में आएगा और जो भी फायदा होगा वो हमेशा क्रेडिट में आएगा। मतलब अगर आपके एसेट के प्राइस बढ़ रहे हैं तो आपको फायदा हुआ क्रेडिट, एसेट के प्राइस गिर रहे हैं आपको नुकसान हुआ डेबिट। इसलिए डेबिट में सारा टू वाली अमाउंट आती है, क्रेडिट में सारी बाई वाली अमाउंट आती है। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख जाओगे तो इनकी जर्नल एंट्री करना भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए प्लीज अकाउंट पे ध्यान देना, मैं एकदम लेमेन की भाषा में सिखा रहा हूं, अकाउंट की भाषा में सिखा ही नहीं रहा, एकदम सिंपल तरीके से। नुकसान हुआ तो डेबिट और फायदा हुआ तो क्रेडिट, सिंपल। फायदा हुआ तो क्रेडिट, नुकसान हुआ तो डेबिट। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन देता हूं, आप बताइए क्या करेंगे हम। पहला, मेरे स्टॉक के प्राइसेस थे पहले 50,000, अब वही स्टॉक हो गया 40,000 का। ओहो, 50 का स्टॉक 40 का हो गया, मतलब मेरे को तो 10,000 का नुकसान हुआ। तो 10,000 का नुकसान हुआ तो यहाँ आ जाएगा नुकसान 10,000 का, और सामने हम क्या लिख देंगे, जिस एसेट का नाम था वो उस एसेट का नाम यानी कि स्टॉक। तो जब कभी भी नुकसान होगा तो क्या किया जाएगा, नुकसान किया जाएगा डेबिट। नेक्स्ट वन, हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट था 80,000 रुपए का, वो इसमें इन्वेस्टमेंट के प्राइस बढ़ के हो गए 1.5 लाख रुपए। क्या बात है भैया, 80,000 के इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख के हो गए, यानी कि आपको फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? 70,000 का। तो इधर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट की, भैया हमको इन्वेस्टमेंट के अंदर फायदा हो गया 70,000 रुपए का। सेम वे मेरे पास एक डेटर्स थे 20,000 के, डूब गए, मर गए बेचारा डेटर, मर गया, पैसा मिलना ही नहीं है। ओहो, डेटर मर गया तो पैसा नहीं मिलेगा, नुकसान हो गया। तो यहाँ आ जाएगा टू डेटर, हमारे डेटर मर गए तो हमारा पैसा डूब गया। हमारा एक क्रेडिटर था 25,000 का, वो एक्सपायर हो गया, अब हमसे पैसे मांगने वाला कोई नहीं है। तो ये तो फायदा हो गया, फायदा हो गया तो यहाँ आ जाएगा 25,000, सामने आ जाएगा बाई क्रेडिटर। इस तरीके से ही आपको सोचना है भैया, सिंपल सी बात है, फायदा हुआ तो क्रेडिट, नुकसान हुआ तो डेबिट। इसकी जर्नल एंट्री भी आप इजीली कर लोगे, बता रहा हूं पहले इतना कर लो। चलो हो गया, आप टोटल करते हैं इसका, तो यहां आ जाएगा 95,000, बराबर है, और यहां आ जाएगा 95, आना चाहिए यहां पे भी। चलिए देखते हैं कितना कम पड़ रहा है, 95 है जबकि यहाँ 30 है, मतलब 65,000 कम पड़ रहा है। तो 65,000 हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या बोलेंगे उसको हम लोग बच्चा लोग? उसको हम बोलने वाले हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जिसको दोनों पार्टनर्स में बांटा जाएगा इक्वल रेशियो में ए और बी को। मतलब आ जाएगा 32,500 ए को मिलेगा और 32,500 बी को मिलेगा। ये हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे ओल्ड रेशियो इक्वल लिया है, इसलिए यह हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि मेरे क्वेश्चन में मैंने लिया था इक्वल। तो जो भी प्रॉफिट आपका होगा, वो उस प्रॉफिट को आप इक्वली बांट दोगे। चलिए अब ये सम तो हो गया, अब इसकी एंट्री देखो कैसे करोगे। स्टार्ट करते हैं, पहली एंट्री रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन टू डेटर्स, तीसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, चौथी एंट्री क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन, ये बाई वाली अमाउंट है, डेबिट होती है, एंड आखिरी एंट्री रिवैल्यूएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और इसके साथ मेरा पूरा
पूरा पूरा सम खत्म हो गया है, एंट्रीज भी हो गई है और मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया है। इतना सिंपल तरीका है, बस फंडा ध्यान रखना कि नुकसान होगा तो डेबिट, फायदा होगा तो क्रेडिट, बस इतना सा फंडा समझ लो, आपके लिए पूरा टॉपिक इजी हो जाएगा। इसके साथ मैंने आपका 60-65% चैप्टर खत्म कर दिया है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, आपका 60-65% चैप्टर हो गया है। एक आखिरी टॉपिक बचा है रिजर्व वाला, और उससे पहले ये टॉपिक एक बार समझ लो, इसके एक दो इलस्ट्रेशंस कर लो, फिर आगे अगले टॉपिक पे आना। मैं इलस्ट्रेशंस भी करवाऊंगा, बट ये मेरा आज कॉन्सेप्ट वीडियो है जहां पे मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो आज प्लीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। चलिए, ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन जो कि हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं फाइनल कॉन्सेप्ट जहां पे हम देखते हैं रिजर्व्स को, कि भैया रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे रिजर्व्स के साथ क्या किया जाता है। पहला क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहा हो तो हमें रिजर्व्स को हमेशा बांट देना है। बांट देना है मतलब ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो रिजर्व्स का बाय डिफॉल्ट सिचुएशन होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। हमेशा से रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, दैट्स इट। कुछ नहीं कहो तो चुपचाप ये कर दो। कौन से रिजर्व्स को? तो भैया चार रिजर्व्स को। पहला आता है जनरल रिजर्व, दूसरा आता है पीएनएल अकाउंट, तीसरा आता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन अकाउंट, चौथा आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये चार रिजर्व्स को हम लोग हमेशा बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो बांटेंगे कैसे? ये सारे रिजर्व्स हमेशा से क्रेडिट होते हैं, बांटने के लिए इन सारे रिजर्व्स को डेबिट करना पड़ेगा और सामने आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, सारे रिजर्व्स डेबिट, सामने आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन नंबर वन, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हुआ तो क्या, यानी कि आपको दे रखा है पी एन एल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखा है डेबिट। डेबिट है मतलब भैया ये लॉस है, मतलब पी एन एल डेबिट में है, तो इसकी एंट्री क्या आएगी? इसकी एंट्री आती है पी एन एल को कर दो क्रेडिट और सामने आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यानी कि लॉस के टाइम पे ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाती है। अगर ये सारे रिजर्व्स का पॉजिटिव बैलेंस है तो एंट्री होती है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बट अगर इनमें से किसी भी अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, यानी कि पार्टनर को पैसा देंगे नहीं, पार्टनर से पैसा लेंगे। और जब भी पार्टनर से पैसा लेना होता है हम पार्टनर को डेबिट करते हैं, और जब पार्टनर को देना होता है हम क्रेडिट करते हैं। इसको अपने बुक के सर पे लिख लो, पार्टनर से पैसा लेना है तो पार्टनर को डेबिट करेंगे और पार्टनर को पैसा देना है तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। ये सर पे लिख लो बुक के, राइट। तो इसके बेसिकली दो एक्सेप्शन है, पहला तो है पीएनएल अकाउंट और दूसरा एक्सेप्शन होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये दो ही बेसिक एक्सेप्शन होते हैं इसके, बाकी सब जगहों पे मोस्टली पॉजिटिव बैलेंस ही होता है। तो ये आपका आज का फाइनल कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रिजर्व। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, मैंने क्या सिखाया? चार तरीके के रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर एडजस्टमेंट्स में कुछ नहीं दिया हो तो चुपचाप जो भी रिजर्व है सबको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दो। रिजर्व्स का बैलेंस हमेशा से क्रेडिट होता है, बांटने के लिए कर देंगे डेबिट और सामने आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। इसके दो एक्सेप्शन है, पहला पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो प्रॉफिट है तो वो अपनी जगह पे सही है, राइट। बट अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है मतलब वो लॉस है तो आपको ये वाली एंट्री को रिवर्स करना पड़ता है, सेम ये वाली एंट्री रिवर्स, दैट्स इट। तो ये दो ही केस में मोस्टली होती है, पहली होती है पीएनएल अकाउंट में और दूसरी होती है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के अंदर। देखो रटना मत, ऐसा नहीं दो से कोई तीसरा गया तो आप डर जाओगे, इसलिए समझ लेना। लॉस में हम पार्टनर से पैसा लेते हैं और अगर रिजर्व्स पॉजिटिव होगा तो हम पार्टनर को पैसा देंगे, और जब पार्टनर को देना होता है तो पार्टनर क्रेडिट होता है, जब लेना होता है तब पार्टनर डेबिट होता है। सो प्लीज रटना मत, प्लीज रटना मत, समझना। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो ये था मेरा आज का कॉन्सेप्ट वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, नीचे कमेंट में लिखते जाइए। अगर आप हमारे प्रीमियम चैनल्स मेंबर्स हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सारे मैसेजेस का जवाब देता रहता हूँ। प्लीज 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 आराम से अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए, हमारी चैनल पे लेके आइए। जितना चैनल बढ़ेगा उतना मैं और आपके लिए मेहनत करता
रहूंगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, वापस से मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे इलस्ट्रेशंस मैं सारे YouTube पे डालूंगा फ्री में, और जो एक्सरसाइज होगी वो सारी की सारी मैं अपने प्रीमियम चैनल्स पे डालूंगा, जहां पे आराम से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम आपके साथ बैठ के सॉल्व करते रहेंगे। तब तक के लिए सपोर्ट बनाए रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, बाय बाय।